नर्मदा आंदोलन नेत्री मेघा पाटकर की पहल पर रेत माफियाओं का स्टॉक राजस्व टीम ने जब्त कर प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया है। मनावर नर्मदा तट पर रतवा में रेत माफियाओं द्वारा किए जा रहे बालू रेत के स्टॉक की ग्रामीणों द्वारा शिकायत खनिज विभाग, राजस्व विभाग और मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा नर्मदा आंदोलन नेत्री मेघा पाटकर से की थी। यहाँ के रेत माफिया आए दिन आपस में लड़ते झगड़ते हैं और नर्मदा तट को खोखला करते हुए बालू रेत का स्टॉक बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। इसे संज्ञान में लेकर डॉक्टर हीरालाल अलावा राजस्व टीम, नायब तहसीलदार सरिता गामड़ द्वारा मौका मुआयना कर कार्रवाई की। नर्मदा आंदोलन नेत्री मेघा पाटकर ने प्रशासन को रतवा ग्राम बालू अवैध रेत खनन की शिकायत की थी। बालू रेत का स्टॉक सील किया गया। बताया जाता है कि अवैध बालू रेत का स्टॉक लाखों रुपए का है। यहाँ के एक दलित किसान ग्रामीण ने इच्छा मृत्यु तक इनसे तंग आकर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मांगी थी। ग्रामीण दलित परिवार का होकर इन रेत माफियाओं के खौफ का शिकार हुआ है, जिसकी कृषि भूमि से भी इन रेत माफियाओं ने अवैध रेत का खनन किया है। 6 माह पूर्व भी नर्मदा आंदोलन नेत्री मेघा पाटकर, विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा द्वारा कार्रवाई मौके पर जाकर राजस्व खनिज विभाग की टीम से करवाई थी, जिसमें एक कोकलेन और अनेक ट्रैक्टर जब्त किए थे। आज दिनांक तक पुलिस चौकी बाकानेर की ये साजो सामान शोभा बढ़ा रहे हैं, फिर भी यह रेत माफिया इतने बेखौफ होकर अवैध रेत का खनन कर रहे हैं। इन रेत माफियाओं ने नर्मदा तट को खोखला कर दिया है, जिससे बारिश के दिनों में गांव में पानी घुसने का डर और भय बना रहता है। प्रशासन द्वारा अवैध रेत भंडारण को जब्त कर ग्राम रतवा से भरकर पूर्व की तरह रेत फलघाट डंपर से ले जाएगा, खनिज विभाग की सुरक्षा में रखा गया। बनावल से फिरोज खान की रिपोर्ट।